पीड़ित बेटी 12 साल की बच्ची ने अगर ये कहा है कि मेरे साथ घिनौना कृत्य हुआ है तो फिर कहाँ डीएनए आ गया। ये समाजवादी पार्टी की जो सोच है अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की, हम सर्व समाज मिलकर, सभी धर्म के लोग मिलकर, सभी पार्टी के लोग मिलकर उसका बहिष्कार करें और उसको सजाए मौत की मांग करें। योगी जी ने फैसला लिया है, बहुत जल्दी में उसका न्याय मिलेगा। तो अखिलेश यादव जी उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकालें और डीएनए की बात न करें, अब उस केवल न्याय की बात करें, उस बेटी के लिए हक की बात करें, उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दें, मदद करें। ऐसा कोई भी घिनौना कर्ता आगे ना हो पाए, ऐसा कानून लाया जाए। जो घिनौना कर्तव्य करेगा उसकी संपत्ति तोड़ी जाएगी या जब्त की जाएगी, तब ये अपराध रुकेगा। ऐसे योगी जी ने उस कानून को, जो ढीला कानून है, उसको साथ में रखते हुए एक बुलडोजर उठा लिया है कि जो मेरे प्रदेश में ऐसे अपराध करेगा, जो मेरे प्रदेश में लूटमार करेगा, जो मेरे प्रदेश में जमीनों पर कब्जा करेगा, जो मेरे प्रदेश में मेरे प्रदेश की बेटियों के साथ अत्याचार करेगा, मैं उसको नहीं बख्शूंगा। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, 24 घंटे में निर्णय करूंगा। उसकी बेटी से छोटी बेटी है, शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, लिहाज नहीं आई। उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, इस देश की इंसानियत को बदनाम किया है, संस्कार संस्कृति को बदनाम किया है और मेरे मुसलमानों को बदनाम किया है। ऐसे इंसान को सजाए मौत होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। सर आपका नाम क्या है? एहसान अब्बासी। कहाँ से हो सर आप? उत्तर प्रदेश। सर अयोध्या में जो रेप, गैंग रेप हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के गले का फंदा बनता जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? बहुत शर्मनाक घटना है और समाजवादी के किसी भी नेता का, खासकर अखिलेश जी का, और अखिलेश जी ने जो एक राजा बनाया था अयोध्या का, उसका भी बयान नहीं आया। और मैं मुस्लिम समाज का एक रहनुमा हूँ, मैं पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। और जो योगी जी ने जो फैसला लिया है, इतना बड़ा एक्शन मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा घिनौना अपराध किया हो और 24 घंटे के अंदर जेल में हो, संपत्ति पे बिल्डरोज चलेगा, एक एग्जांपल सेट किया है कि आने वाला कोई भी समाज का ऐसा घिनौना कृत्य करने के लिए उसकी रूह कांपे। और मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज ने इसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी या अखिलेश क्यों चुप हैं? क्यों इसीलिए चुप हैं कि उनको वोट चाहिएगा? नहीं तो अब तक उनको पार्टी से निकालना चाहिए था। वो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनके ना तो उसके उनके राजा ने कुछ कहा और ना ही अखिलेश जी ने कुछ कहा। ये अखिलेश जी ने आज चुप्पी तोड़ दी है, उन्होंने ये कहा है कि जो गैंग जिसने गैंग रेप किया है उस आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर डीएनए टेस्ट में वो आरोपी निकलता है तो उसको सजा देनी चाहिए, अगर वो आरोपी नहीं है तो जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए। ऐसा जवाब दिया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। एक पीड़ित बेटी 12 साल की बच्ची ने अगर ये कहा है कि मेरे साथ घिनौना कृत्य हुआ है तो फिर कहाँ डीएनए आ गया? ये समाजवादी पार्टी की जो सोच है अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की। और ऐसा ही मुलायम सिंह जी ने कहा था एक बार खुले मंच से कि बच्चे हैं, युवा हैं, गलती हो जाती है। तो वही विचारधारा है, इस विचारधारा को योगी जी ख़त्म करेंगे। और मैं मुस्लिम समाज का रहनुमा होते हुए ये बड़ा जुम्मेदार से कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की ना तो कोई समाज में जगह है, ना इस्लाम में जगह है और ना ही इसी राष्ट्र में जगह है। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा, अयोध्या लगातार जो बीजेपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार अयोध्या के सांसद को मांग कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, भाजपा के क्यों करें? सब लोग क्यों नहीं करें? सपा के करें, बसपा के करें, कांग्रेस करें, वो देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है, उसके साथ उसके संग बेला फुसला कर घिनौना कृत्य किया हुआ है, उसका वीडियो बनाया है, सब वायरल है, तो क्यों भाजपा का ही क्यों कार्यकर्ता उसका विरोध करें? हम सर्व समाज मिलकर, सभी धर्म के लोग मिलकर, सभी पार्टी के लोग मिलकर उसका बहिष्कार करें और उसको सजाए मौत की मांग करें। योगी जी ने फैसला लिया है, बहुत जल्दी में उसका न्याय मिलेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा पूरे देश में ना हो, उसके लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। सर मायावती भी यही कह रही है, मायावती ने कहा है कि जब सपा की सरकार थी तो कितने डीएनए टेस्ट हुआ था, जो अभी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, लगातार मायावती भी इसका विरोध कर रही है डीएनए। ये आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम करने वाले या घिनौने सोच रखने वाले लोगों के साथ में एक साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर बेटियों के हक में, हमारी महिलाओं के हक में उतरना चाहिए, ना कि ये कहें कि कल उसने क्या किया था, परसों उसने क्या किया था, अब ये समय नहीं है। अब बेटी के बचाने के लिए हम सबको आना होगा। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर मुझे छूट मिले
तो इस्लाम के धर्म के नाते से मैं पत्थर मार के उसकी मृत्यु मैं मृत्यु करना चाहता हूँ। क्योंकि इस्लाम में सिखाया गया है कि जो भी व्यक्ति ऐसा काम करे उसको पत्थर मार मार के उसको मार देना चाहिए। अगर मुझे सरकार इजाज़त दे या देश कानून मुझे इजाज़त दे तो मैं स्वयं चलकर पत्थर मार कर उसकी मृत्यु कर दूँगा। अच्छा, मणिपुर जैसे मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष बोलता है मणिपुर जाता है, अब क्या अयोध्या जाएगा? मणिपुर एक अलग विषय है, उसमें दो समुदाय का वर्चस्व का माहौल था। हमें उसकी भी निंदा करते हैं कि हमारे सभी पार्टियां मिलकर उसको निदान करना चाहिए। परंतु जो ये घटना हुई उत्तर प्रदेश की, ये रूह कचोड़ने वाली है। एक 12 साल की बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची को इतना मना तंज दे दिया कि जिंदगी भर उस बोझ के लोग कैसे जिएगी, कैसे वो सफ़र करेगी, कैसे ज़िंदगी बिताएगी। तो ऐसे व्यक्ति को फांसी लगानी चाहिए और अखिलेश यादव जी उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकालें और DNA की बात न करें। अब उस केवल न्याय की बात करें, उस बेटी के लिए हक की बात करें, उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दें, मदद करें। ऐसा कोई भी घिनौना करता आगे ना हो पाए, ऐसा कानून लाया जाए। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो लगातार कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की बातें करती हैं। उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए। राहुल गांधी भी, काफ़ी बड़े बड़े जो विपक्षी नेता हैं वो इसको लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए। ये चुनावी लोग हैं, चुनाव के समय आते हैं बस, फिर विदेश चले जाते हैं, फिर ACO में आराम से अपनी ज़िंदगी उतारते हैं। अब राहुल जी को देखा ना, कल क्या कहा उन्होंने, परसों शायद सपना आया होगा उनको। पहले केजरीवाल जी को सपना आता था कि मेरे सत्येंद्र साहब से अब जेल जाएंगे, ED आएगी, फिर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ED आएगी। एक तो सपना ऐसा भयावर आया, वो लगा कि केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ेगा। अब उनके वो सहपाठी हैं, उनके वो गठबंधन में हैं, तो अब राहुल जी को सपना आ गया है कि ED आने वाली है। रात को 2 बजे फटाफट लिख देते हैं, एक पत्रकार होता है, चित्रकार होता है, सपना आता है उसको और फटाफट कैनवस में उकेर देता है। तो उनका भी सपना आया, लेकिन सपना देखना अच्छा है, सपना भयावह भी हो सकता है और सपना असत्य भी हो सकता है। अगर ये सपना सत्य हो गया तो राहुल जी जेल जाएंगे। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सपा का या किसी और पार्टी का नेता है वो कोई भी रेप कांड या फिर कोई भी रिलेटेड से आरोपी होता है तो उस पर लगातार कार्रवाई करने की जब डिमांड करती है BJP तो इसको लेकर राजनीति हो जाती है, और अगर विपक्ष करता है तो एक मुद्दा बन जाता है, एक न्याय की बात बन जाती है। तो सत्ता में BJP है, उसका कर्तव्य है, लेकिन हम सबका भी कर्तव्य होना चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक का, चाहे किसी समाज का है, चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी मजहब का, चाहे किसी पार्टी का है। और किसी बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हम सब के मिलकर उसका बहिष्कार करना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार हो, धार्मिक बहिष्कार हो, और देश के अंदर ऐसा कानून लाया जाए कि दूसरा व्यक्ति को ऐसा काम करने सोचे। हमें ये करना चाहिए। आजकल क्या है, विपक्ष अपनी राजनीति करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ना तो सर होता ना पैर होता है। अब कहाँ से DNA की बात होगी? एक छोटी बच्ची रो रही है, बिला रही है, और उसके प्रमाण है कि गर्भवती है। वो दुख होता है इस चीज़ को सुनकर, और हमारी आत्मा भी कचोटती है कि एक बेटी के साथ में 55 साल का वृद्ध ऐसा घिनौना करता है। उसकी बेटी के समान है, उसकी बेटी भी उसकी बड़ी होंगी, उसकी बेटी से छोटी बेटी है। शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, लिहाज नहीं आई? उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, इस देश की इंसानियत को बदनाम किया है, संस्कार संस्कृति को बदनाम किया है, और मेरे मुसलमानों को बदनाम किया है। ऐसे इंसान को सजाए मौत होनी चाहिए। सर, ये जो बोला जाता है कि जो मोहिन खान है उन्होंने आरोप किया था, गैंग रेप किया था, लेकिन उनके घर पे और उनके कहीं ना कहीं जितने भी ज़मीन है उस पर बुलडोजर चला दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बदला लेना हो गया ना योगी आदित्यनाथ की सरकार का? नहीं, बदला नहीं, ये न्याय है। जो घिनौना कर्तव्य करेगा उसकी संपत्ति तोड़ी जाएगी या जब्त की जाएगी, तब ये अपराध रुकेगा। हमारा जो कानून है लचीला है, सिस्टम जो लचीला है, उसके लिए एक ही तरीका है। जब महाभारत में कृष्ण जी ने चक्कर उठाया था, अर्जुन ने मना कर दिया था या रुक रहे थे, तो स्वयं कृष्ण जी ने चक्कर उठाया था हाथ में कि मैं उतरता हूँ। तो आज ऐसे योगी जी ने उस कानून को, जो ढीला कानून है, उसको साथ में रखते हुए उन्होंने एक बुलडोजर उठा लिया है कि जो मेरे प्रदेश में ऐसे अपराध करेगा, जो मेरे प्रदेश में लूटमार करेगा, जो मेरे प्रदेश में जमीनों पर कब्जा करेगा, जो मेरे प्रदेश में मेरे प्रदेश की बेटियों के साथ अत्याचार करेगा, मैं उसको नहीं बख्शूंगा। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, 24 घंटे में निर्णय करूंगा। अच्छा, एक BJP के नेता है, एक मंत्री है, वो इस मुद्दे को लेके जब भी उस लड़की के गले लगते हैं जिसके साथ घटना हुई है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, तो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, भावुकता में काफ़ी आ जाते हैं। नहीं, हम भी भावुक हैं, पूरा प्रदेश भावुक है कि एक बेटी, मैं बेटी वाला हूँ, एक छोटी बेटी के साथ में उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक बूढ़े इंसान ने, एक क्रूर इंसान ने, एक जाहिल इंसान ने, एक राक्षस ने
ऐसा घिनौना कृत्य किया है उसको शर्म नहीं आई, उसको हिंदुस्तान में उसमें क्या है कि उसमें अभी उसको जीवन में उसको ना न्याय मिलेगा ना मरने के बाद न्याय आएगा, वो उसको नरक मिलेगा, उसको जहन्नम मिलेगी। ये मेरा वादा है, ऐसे लोगों को ना समाज में जगह है, ना देश में जगह है, ना धर्म में जगह है। वो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है।